और इधर राजकुमार काफी एक्साइटेड है। ये देखिए दोस्तों, इधर हनुमान जी हैं, कैसा दिख रहे हैं। इसको कपड़ा पकड़ लिया हूँ और इसको चाकू से साइड से ऐसा करेंगे, ये देखिए कटफिश। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, रामजुली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज क्या बनने वाला है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, दिखाते हैं। इडली बनाने के लिए ये उड़द दाल तैयार किया हुआ है दोस्तों। इडली बनाने के लिए चावल अभी फुलाएंगे दोस्तों, और इधर उड़द मैंने फुला दिया है। तो अब चावल पानी में डालेंगे। ये देखिए पानी मैंने पहले से ही निकाल लिया है, इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें मैंने चावल फुला दिया है इस डेगची में, और इसमें उड़द तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। ये देखिए दोस्तों, इडली बनाने के लिए अभी चावल को पीसेंगे, तो मिक्सी में डाले हैं। ये लास्ट बार चावल पिसा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इतना सा पिसा गया है, और अभी थोड़ा सा बचा हुआ है जो अभी पिसा रहा है। फाइनली दोस्तों सारा चावल पिसा के रेडी हो गया है इडली के लिए। ये पानी गर्म हो चुका है दोस्तों, अब इसमें हम लोग डालेंगे पिसा हुआ चावल। तो पहले इसका सांचा में ये तेल से रगड़ लेंगे ताकि वो चिपकेगा नहीं। तो ये चावल को अब डालेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें पहले इडली का सांचा को रख दिए हैं, जो नीचे वाला है जो छोटा है, अब इसको डालेंगे। तो ये डाल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अभी पांचों खन्ना में डाल देंगे। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों पांचों में, अब दूसरा में डालेंगे। ये दूसरा खन्ना में भी तेल घस के इसमें रख दिए हैं, फिर इसमें डालते हैं। फाइनली इसमें भी भर गया। अब इसके ऊपर और एक है जो बड़ा सांचा है, उसमें भी डालते हैं दोस्तों। इसमें भी घस दिए हैं दोस्तों, डालते हैं अभी। फाइनली इसमें हो गया, अब इसको ढक देंगे दोस्तों। ये ढक दिए हैं दोस्तों, ये एक ट्रिप पक जाएगा, उसके बाद इधर और है, इसको भी डालेंगे। अब इसे देखते हैं दोस्तों ये पका कि नहीं। 20 मिनट के करीब हो गया है। वाओ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये पक चुका है दोस्तों। इसे थोड़ा छू के देखते हैं, पक गया है दोस्तों। अब इसे उतारेंगे, ये तीनों को उतार दिए हैं दोस्तों। ये देखिए कितना फुला फुला लग रहा है, इसे निकालेंगे चाकू की सहायता से। इसको कपड़ा पकड़ लिया हूँ और इसको चाकू से साइड से ऐसा करेंगे, ये देखिए कटफिश ऐसा, और इसको यहाँ ऐसा रखेंगे, फिर साइड से चाकू से ऐसा फिर करेंगे और ऐसा करेंगे। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, ये देखिए। ये गर्म है दोस्तों, इसीलिए कपड़ा पकड़ लिया हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों।
ऐसे ही निकालते हैं सबको। और इधर राजकुमार काफी एक्साइटेड है दोस्तों, ये देखिए तीर धनुष खेल रहा है, क्योंकि आज इसके स्कूल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन है, तो उसमें किसी को रावण उनके जाना है, किसी को हनुमान जी, किसी को लक्ष्मण, राम, दुर्गा माँ, तो ये लक्ष्मण बनने वाला है। इसीलिए देखिए अभी ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है बाबू अभी। क्या बनेगा? लक्ष्मण बनना है। चलो, लेकिन लक्ष्मण तीर चलाने नहीं जान रहा है, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करके पास हो जाओ। चलो वाओ, चलो बहुत अच्छा। वाओ, चलो ठीक है, ट्रेनिंग और कर लो अच्छा से। लग रहा है राजकुमार पास होने वाला है। देखिए एक्शन देखिए राजकुमार का, पूरा एक आंख को चिप बंद कर लिया है, निशाना लगा रहा है। वाओ, कहाँ पे निशाना लगाया? यहाँ, यहाँ निशाना लगाया, लग गया। चलो ठीक है, अच्छा वही निशाना लगाया। चलो ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इधर हनुमान जी हैं, कैसा दिख रहे हैं। ये देखिए राम और लक्ष्मण इधर है। वाओ ये देखिए, बताओ क्या क्या बना है राजकुमार, क्या बना है? लक्ष्मण। और वो अर्पित, अर्पित राम। हाँ, और इधर हनुमान जी हैं। वाओ, सब दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन स्कूल में है, तो उसी के लिए सब कोई रेडी हो चुके हैं, अभी लोग जाएंगे। राजकुमार लोग स्कूल पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इडली तैयार हो गया, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। ये खाली सूखा सूखा आइटम से नाश्ता कर रहा हूँ। इधर ये बोधी और आलू का ये भुंजिया है, और ये खेक्सा का भुंजिया है, तो इसी से अभी नाश्ता करता हूँ। और अभी कुछ बना नहीं है, जो बना है उसी से काम चला ले रहा हूँ। देखिए ये कैसा बना है, देखते हैं। अच्छा है, आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।